टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा सेकंड में 2020 करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में है। ये डेली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स अपडेट है जो IAS बैंक SSC RRB अदर गवर्नमेंट एग्जाम 2020 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल सेट किया गया उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। दोपहर के 4 बजे इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की 6 एडिशंस थर्ड चैप्टर हमारा शुरू हो चुका है, ये भी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में है। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन में क्लिक कर आप वीडियो देख सकते हैं। टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से ये टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक को देखकर आप जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेस्ट ऑफ चैनल जो टेलीग्राम चैनल उसका नाम है टेस्ट ऑफ नॉलेज। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 10 मई 2020 से इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस हम शुरू करने जा रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस हमारी शुरू होने वाली है तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे के पास भी ये नॉलेज पहुँच सके। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन विल द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस बी कंडक्टेड। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव कब होंगे? 23 मई, 21 मई, 22 मई, June 1 या July 2? इसका करेक्ट आंसर है May 21। अब आप सोच रहे होंगे सर इस तरह के क्वेश्चन आप क्यों दे रहे हो, क्योंकि गाइस जैसे ही आपका एग्जाम होगा उस समय ये क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन करवाया था लॉकडाउन के टाइम पर। मतलब लॉकडाउन मतलब COVID-19 में जब लॉकडाउन चल रहा था तो उसमें कौन से स्टेट ने लेजिस्लेटिव अपने काउंसिल का इलेक्शन करवाया था, तो आपको याद रखना पड़ेगा वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने क्या किया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन करवाया है और ये कब होने वाला है, 21 मई को होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ब्रांड्स विल सून स्टार्ट मेकिंग सैनिटाइजर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड जल्द ही सैनिटाइजर बनाने शुरू कर देगा? कौन सा ब्रांड है, एशियन पेंट है, सिस्को है, सैमसंग है, रॉयल स्टैग है या फिर रिलायंस है? वो कौन है जो अभी सैनिटाइजर बनाना शुरू करेगा? इसका करेक्ट आंसर है एशियन पेंट। एशियन पेंट सैनिटाइजर बनाने की पहल करने वाला है, मई से शुरू कर दे रहा है वो। मतलब 1 तारीख को अनाउंसमेंट हो चुका है और ये अब 1 सप्ताह के अंदर अंदर ये सैनिटाइजर शुरू कर देगा। आगे देख लेते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑन May 1, 2020। 1 मई 2020 को महिला और बाल विकास मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में किसे नियुक्त किया गया है? अजय तिर्के, रविंद्र पनवर, तरुण बजाज, अतानु चक्रवर्ती या नाना अवधेश? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, अजय तिर्के तिर्की को क्या किया गया है, बाल विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है, द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं, हु हैज बीन नेम्ड एज अ न्यू इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी। नए आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय तिर्की, रविंद्र पनवर, अतानु चक्रवर्ती, तरुण बजाज या जितेश शर्मा? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, तरुण बजाज। तरुण बजाज को क्या किया गया है, अभी न्यू इकोनॉमिक एडवाइजर, सॉरी न्यू इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी चुना गया है। आगे देख लेते हैं, हु वॉज अवॉर्डेड द सर, ये नाम है उपाधि का, द सर रिचर हैडल मेडल ड्यूरिंग द 2020 न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड अनाउंसमेंट। 2020 न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार की घोषणा के लिए दौरान सर रिचर हेडली पदक, ओके ये पदक का नाम है, से किसे सम्मानित किया गया है था? केन विल्सन, विलियस विलियमसन, टीम साउथी, रॉस टेलर, मार्टिन पुलित या फिर नन ऑफ दिस? इसका करेक्ट आंसर है, रॉस टेलर को इस अवार्ड से नवाजा गया है, सर रिचर्ड हैडल मेडल से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर सेशन पसंद आ रहा है तो उसे प्लीज लाइक करिए,
क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसका कमेंट बॉक्स पर आंसर दीजिए, कनेक्ट होने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेजेंडरी फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी पास्ड अवे ऑन अप्रैल 30, 2020। ही हैड कैप्टन द इंडियन फुटबॉल टीम टू विक्ट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट्स। महान फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी, इनका नाम याद रखना आपको, ऑन 30 अप्रैल 2020 उनको निधन हो गया है। उन्होंने भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तानी की थी, ओके, जिसमें निम्नलिखित में टूर्नामेंट में से जीत दर्ज करवाई थी। कौन से टूर्नामेंट में जीत दर्ज करवाई थी? 1962 कॉमनवेल्थ गेम माने राष्ट्रमंडल खेल, 1978 एशियन गेम, 1974 एशियन गेम, 1962 एशियन गेम या नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, 1962 एशियन गेम में उन्होंने क्या किया था, एज अ कैप्टन रोल प्ले किया था और वहां पर जीत भी दिलवाई थी, विक्ट्री भी दिलवाई थी इंडिया को। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु वाज नेम्ड द मेन्स और ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर इन न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड सेरेमनी 2020। न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार समारोह 2020 में पुरुषों के एक दिवसीय खिलाड़ी का नाम किसे दिया गया है? रोस टेलर, हेनरी निकोलस, केन विलियमसन, कॉलिन मुनरो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है केन विलियमसन जो है, उसे ये अवार्ड सेरेमनी में क्या नवाजा गया है, ओडीआई, ओके, उसका नाम रखा गया है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली विल फॉल अंडर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग जोन्स। दिल्ली के सभी जिलों का, ओके, याद रखना है, सारे के सारे जिले, सभी डिस्ट्रिक्ट निम्न में से किस क्षेत्र में पड़े हुए हैं? आपको पता है अभी जोन तैयार किया गया, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, है ना, तो उसमें दिल्ली कौन से जोन में है? रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, नन ऑफ दी एबो या ऑल आर। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, दिल्ली अभी रेड जोन में आ चुका है, ओके, क्योंकि इस पे अनाउंसमेंट हो गई है कि इस पे लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा और सख्ती से अब पालन किया जाएगा दिल्ली पे। आगे देख लेते हैं, द यूएस हैज अनाउंस्ड अनदर 23 करोड़ टू विच कंट्री थ्रू द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट टू फाइट द कोरोना वायरसेस। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? ओके, तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट टू फाइट द कोरोना, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ओके, तो कौन सी कंट्री को मदद की है 23 करोड़ की? नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया को ये 23 करोड़ रुपए यूएस दे रहा है, ये जो यूएस की एजेंसी है वो दे रही है, ओके, मतलब यूएस गवर्नमेंट ही दे रही है कोरोना से फाइट करने के लिए। आगे देख लेते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट बैंड द परचेज ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल्स लाइक कार एंड जीप्स फॉर अ ईयर। किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है? ओके, देखिए यहाँ सरकारी बात किया गया, ओके, प्राइवेट नहीं, सरकारी। बिहार, पंजाब, हरियाणा, केरला या नॉन ऑफ देश। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसने ये कहा है हरियाणा गवर्नमेंट ने कि अब कोई भी एक साल तक गवर्नमेंट जो व्हीकल्स होगी वो नहीं खरीदी जाएगी, ओके, अगर दरकार पड़ेगी तो हायर कर लेंगे लेकिन खरीदेंगे नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडी ड्रॉट कंडीशन, आपको याद रखना है ड्रॉट कंडीशन कहा जा रहा है सूखे की स्थिति, वे आर ऑब्जर्व्ड इन द डाउनस्ट्रीम कंट्रीज ड्यू टू डैम बिल्ड बाय द चाइना ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है? मेकोंग रिवर, अमूर रिवर, लियाओ रिवर, जियांग रिवर या नॉन ऑफ दिस। तो किस पर बांध बनवाया गया है, तो वो है मेकोंग रिवर, मेकोंग रिवर आपको याद रखना है, ठीक है, वहां पर सूखे की, माने ये जो बनाया गया है ड्रॉट की कंडीशन देखी गई है, तो रिवर कौन सा है? जियांग रिवर, जिसके कारण सूखे की स्थिति देखी जा रही है। आगे देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज बाय द ऑर्गेनाइजेशन कोविड-19 रिसेंटली पोजेस अ थ्रेट टू हाफ
ऑफ द वर्ल्ड्स लेबर पॉपुलेशंस लूजिंग देयर लाइवलीहुड। हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी से अधिक जो आबादी है के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बना हुआ है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये रिपोर्ट किसने जारी की है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ दिस। मतलब एम्प्लॉयज जो है, जो काम कर रहे हैं मजदूर, वो अब आधे से ज़्यादा बेरोजगार हो जाएंगे। तो वह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है कि आधे से ज़्यादा लोग क्या होंगे पूरे दुनिया में, वो अपनी जॉब को खो देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ मच इंडिया हैज प्लेस्ड इन द बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? 25, 50, 43, 53 या 21? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इंडिया यहाँ पर 53 पोजीशन पर है इन 117 कंट्री में, मतलब 117 कंट्री में इंडिया की पोजीशन कितनी है? इतनी है, आपको ये याद रखना है। आगे देख लेते हैं। विच कंट्री वॉज रिसेंटली होस्टेड द 2021 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? हाल ही में किस देश ने 2021 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी है? चाइना, नेपाल, चाइना, रशिया, सर्बिया या नन ऑफ देश? इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। सर्बिया। सर्बिया ने क्या किया है, जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है उसे होस्ट करने वाला है 2021 में। एक्चुअली गाइस यहाँ पर इंडिया करने वाला था, लेकिन इंडिया ने वो जो फी होती है ना, जो चार्जेस लगता है ना डोनेट, जो मैंने पहले भी कहा था आपको कि टोकन मनी जमा करवानी पड़ती है, तो ड्यू टू कोरोना वायरस इंडिया ने ये फी जमा नहीं की। तो 2017 का जो एग्रीमेंट था, ओके, ये जो डील थी 2017 की, इंडिया होस्ट करेगा इस बॉक्सिंग को, तो वो डील कैंसिल कर दी गई है, तो सर्बिया में अब होगी ये 2021 में। सो गाइज एमसीक्यू उतने ही थे इंपॉर्टेंट। अब जो हम बात करेंगे की पॉइंट्स को लेकर, देखिए की पॉइंट्स में मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, तो ये की पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज की पॉइंट से ही मैं भी, तो की पॉइंट से ही क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो की पॉइंट्स भी आप की पॉइंट्स को देख कर ही समझ सकते हैं। तो देख लेते हैं। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ड्रॉट अंडर द जल शक्ति मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके ऊपर हमने कल चर्चा भी की थी। जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है, वो जल शक्ति योजना जो है, स्कीम जो है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो की गई थी। तो आपको ये बताना है जल शक्ति योजना किसके द्वारा, कौन से स्टेट के द्वारा की गई थी। कावेरी वाटर डिस्प्यूट को लेकर जो था मैंने बताया था साउथ में। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन सबमिटेड फाइनल रिपोर्ट टू फिनमिन। रुपीज मिनिमम 111 लाख करोड़ प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2025। छत्तीसगढ़ टॉप अमॉन्ग द अदर स्टेट टू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा। हमने बताया था कि 18 लाख वैकेंसी छोड़ी गई थी। तो देखिए गाइस, ये जो करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं वो रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है। माने अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज न्यूज़ में वापस आ जा रहे हैं घूम फिर के, तो मुझे वो वापस टॉपिक को यहाँ रखना पड़ रहा है की पॉइंट्स में, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है वो भी की पॉइंट्स में आपको मिलेंगे। तो ये रिपीटेड न्यूज़ है, मैं इसमें, मेरी कोई गलती नहीं है, ये कंटिन्यू वैसे ही आ रहे हैं। आगे देख लेते हैं। इंडिया इंस्टॉल 7.3 GW ऑफ सोलर पावर इन CY 2019, ओके 2019, एंड सिक्योर वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट सोलर मार्केट मार्कोम। USAID अनाउंसेस $3 million टू सपोर्ट इंडियाज एफर्ट्स टू कॉम्बेट 19। इस पर चर्चा किए थे हम लोग कल। इंडिया रैंक 53 द बजट ट्रांसपेरेंसी। न्यूजीलैंड टॉप IBP ओपन बजटरी सर्विस 2019। इंडिया रैंक डाउनवर्ड्स टू कंट्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंसर्न CPC में इन USA's इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एनुअल रिपोर्ट 2020 के अनुसार। डिजास्टर कंफ्लिक्ट ट्रिगर 5 मिलियंस डिस्प्लेसमेंट्स इन इंडिया इन 2019 IDMC के अनुसार। नेक्स्ट देख लेते हैं। विकास अभियान। विकास अभियान एक लोन स्कीम है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? KVGB के द्वारा लॉन्च की गई है, ओके। मणिपुरी डॉक्टर तंजगम धबाली सिंह कन्फर्ड ऑर्डर्स टू राइजिंग सन बाई जापान। TS तिरुमूर्ति अपॉइंटेड एज एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू इंडिया यूनाइटेड नेशन इंडियन यूनाइटेड नेशन। मनुलाइफ एक्वायर्ड 49% स्टेक इन महिंद्रा AMC फॉर 265 करोड़।
रिलायंस इंक्रीजेस इट्स टेक 26.3% इन यूएस बेस्ड टेक कंपनी स्काई ट्रेन। जन औषधि सुगम ऐप, ये ऐप को याद रखना है, जन औषधि सुगम ऐप टू एक्सेस जेनरिक मेडिसिन बेनिफिट 32 लाख 5,000, सॉरी 3,25,000 यूजर्स। COVID-19 ग्लेनमार्क फार्मा बिकम्स द फर्स्ट कंपनी टू गेट नॉट फ्रॉम डीसीजीआई फॉर क्लिनिकल ट्रायल ऑफ फेविपिरविर टैबलेट्स। आईएमडी रिलीज लिस्ट ऑफ 169 नेम्स फॉर अपकमिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। माने आने वाले आईएमडी ने इंटरनेशनल इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो इंटरनेशनल इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने रिलीज किया है कि 169 जो है ना वो ट्रॉपिकल साइक्लोन आने वाले हैं, उनके नामों को दर्शा दिया है। COVID-19 SCARD और रोबोट टू असिस्ट अ फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वेरियर्स। फेमस हिंदी एक्टर ऋषि कपूर पासेस अवे 67। फ्रीडम फाइटर पद्मश्री गांधीयन हेमा बहरेली पास्ड अवे इन 101 एज। इनका नाम याद रखिएगा बिकॉज फ्रीडम फाइटर थी। ओके, अ बुक टाइटल द रूम वेयर इट हैपेंड, अ वाइट हाउस मेमोर, ऑथर्ड बाय जॉन बोल्टन। ये बुक का नाम याद रखिएगा। इंटरनेशनल जज डे 2020 माने 2020 अप्रैल 30 को मनाया गया इंटरनेशनल जज डे माने जैज डे। ये एक डांस होता है जैज, तो इंटरनेशनल डांस डे के ऊपर हमने बात कर ही ली थी। तो इंटरनेशनल जैज डे एक डांस है, जैज बोलकर एक डांस होता है। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इंक्स एमओयू माने अंडरस्टैंडिंग, माने एक एग्रीमेंट होता है, एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसे कहते हैं, विद द टाटा टेक्नोलॉजीज टू बिल्ड 2 CIIT सेंटर्स। फीफा लॉन्चेज हैशटैग वी विल विन कैंपेन। तो ये वी विल विन कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये फीफा के द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, फीफा का फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट बॉक्स पर। फॉर हेल्थ वर्कर, हेल्थ वर्कर के लिए वी विल विन कैंपेन फीफा ने लॉन्च किया है। सो गाइस, लास्ट क्लास में जो हमारी क्वेश्चन दिए गए थे क्विज के, तो उसका आंसर देख लेते हैं। गैलोज आर द ट्राइबल इन विच इंडियन स्टेट? वो है अरुणाचल प्रदेश। तो गैलोज कहाँ के ट्राइबल हैं, आदिवासी है वो, अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी जो होते हैं उन गैलोज कहते हैं। जवारा इज द फोक डांस इन विच स्टेट? जवारा मध्य प्रदेश का फोक डांस है। ओके, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? दुबई। दुबई में इंटरनेशनल हेड काउंसिल जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसका हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ एशियंस डेवलपमेंट बैंक? मस्ता सुगु आसाकावा, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ एंड करेंसी ऑफ मालदीव? कैपिटल है माले और करेंसी है रुफिया। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ जर्मनी? कैपिटल है बर्लिन एंड करेंसी है यूरो। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम? कैपिटल है लंदन एंड करेंसी है पाउंड। ये प्रीवियस डे के क्वेश्चन थे। अब हम आज के टॉप 5 क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, जो क्विज क्वेश्चन है आपका। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफर्स मार्केटिंग सपोर्ट टू मास्क अंडर वन धन स्कीम। ओके, नॉट जन धन स्कीम, वन धन स्कीम माने वैन धन स्कीम आप बोल सकते हैं, लेकिन वन धन स्कीम बोला जाता है इसे। ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ फिजी? फिजी कैपिटल एंड करेंसी बताना आपको। व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ CRR? CRAR की फुल फॉर्म क्या है, एब्रिविएशन पूछ रहा है आपसे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिटी यूनियन बैंक? सिटी यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये भी आपको बताना है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ HSBC? हांगकॉन्ग शंघाई बैंक ऑफ चाइना का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और आज का इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं, वर्ल्ड टूना डे। वर्ल्ड टूना डे जो है वो आज का इंपॉर्टेंट डे है, ये आपको याद रखना है। 2 मई को मनाया जा रहा है, सैटरडे को। और वर्ल्ड टूना डे हिस्टोरिक एंड सिग्निफिकेंस, जिसके बारे में जो है नीचे मैंने लिख दिया है, वो आपको पढ़ना है। सो गाइज, आज का सेशन कैसा लगा? वीडियो को मैंने छोटा रखने की कोशिश की है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जा रहा था। तब भी आपको अगर अच्छा लगा है कि इतने लेंथ की वीडियो होनी चाहिए, तो इट्स ओके, मैं इतने लेंथ की वीडियो बनाऊंगा जो 20 से 21 मिनट के करीबन होगी। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं सर, जिस तरीके से आप करवा रहे थे 35 36 क्वेश्चन,
तो वैसा ही आप सीरीज प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, तो वो भी कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। अगर आप जिस तरीके से आपका रिस्पॉन्स होगा, मैं उसी तरह से वीडियो को कवर करूंगा। तो सेशन को लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए तो दूसरों की मदद हो सके। कमेंट बॉक्स पर आंसर दीजिए जो आज पूछे गए हैं क्वेश्चन। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाके पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोपहर के 4 बजे इंडियन पॉलिटी की क्लास में। थैंक यू।